हेलो व्यूअर्स, आई एम मिस्टर दिलीप कुमार पाल। नाउ स्टैंड बिफोर यू विथ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फोर्थ सेमिस्टर पेपर नंबर 8, व्हिच इज पॉलिटिकल प्रोसेस एंड इंस्टीट्यूशंस इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव्स। So today's topic is meaning, definition and procedures of election in India. This is an ODI video. Aaj hame dekhiba plus 3 4th semester ro paper number 8 jaha ki political process and institutions in comparative perspective रे एक विषय रही अच्छी निर्वाचन र अर्थ संज्ञा एवं पद्धति। आज विषय है निर्वाचन अर्थ संज्ञा एवं यार पद्धति। ताहले आम आरंभ करवा निर्वाचन कहा कह जाए, यार संज्ञा कौन, यार उपादान कौन एवं निर्वाचन पद्धति। किंतु आरंभ करने पूर्व मोर छात्र छात्री मान जनाऊँ जे बहुत छात्र छात्री मैंने से कमेंट दौंस सार नोट्स पठात, किंतु ये वीडियो गुटिक ही नोट्स वीडियो को देखला समय रे बा देखा समय रे यदि नोट्स धीरे धीरे कर दिया जाए नोट्स भी समाप्त हो मोर वीडियो गुड़िक अनेक पुस्तक समिश्रण। तेणु मोर छात्र छात्री मान अनुरोध जो वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे एकांत भाव शेष पर्यंत निरीक्षण करेंगे जहाद्वारा कि सामान निर्वाचन सम्बन्धी असुविधा दूर हो। आज आम आरंभ करवा निर्वाचन कह जाए पृथ्वी गणतंत्र एक सफल एवं जनप्रिय शासन प्रणाली, किंतु गणतंत्र को सफल कर निमंते निर्वाचन एक माध्यम अटे। यदि निर्वाचन रहिबो नाही गणतंत्र सफल हेबो नाही। तेणु कहा जाए नो इलेक्शन नो डेमोक्रेसी, निर्वाचन नाही तो गणतंत्र नाही। एवं पुनर्बार कहा जाए नो फ्री फेयर नो फ्री फेयर एंड रेगुलर इलेक्शन नो रियल डेमोक्रेसी। जदि स्वाधीन निरपेक्ष एवं समयानुक्रमे निर्वाचन हेबो नाही वास्तव गणतंत्र प्रतिष्ठा हो पारिबो नाही। तेणु गणतंत्र सफलता पाई निर्वाचन एक माध्यम। तो निर्वाचन का कहा जाए निर्वाचन अर्थ है जो समय जनसाधारण सेमानंकर भोट प्रदान करी सेमानंकर प्रतिनिधि मानंकु निर्वाचित करिथांती ताहाकु निर्वाचन कहा जाए। जो समय जनसाधारण निजर भोट प्रदान करी निजर प्रतिनिधि मानंकु चयन बा निर्वाचित करिथांती ताहाकु निर्वाचन कहा जाए। एई परिप्रेक्षीरे प्रोफेसर स्कुम्पेटर कहिछंती जे इलेक्शन इज दैट इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स व्हिच फिल्स अप पब्लिक ऑफिसेस एंड द होल्डर मे बी इलेक्ट लेजिस्लेटर और एग्जीक्यूटिव। स्कुम्पेटर कहते निर्वाचन एक पद्धति जहाद्वारा कि सरकारी पद्धति गुड़िक पब्लिक ऑफिस निर्वाचन एक पद्धति जहाद्वारा कि सार्वजनीन पद एमपी एमएलए मंत्री तर निर्वाचन एक पद्धति जहाँ मध्यम कि सार्वजनीन पद गुड़िक पूरण हुए एवं जो मैंने से पदरे अधिष्ठित हूँ से मैंने मंत्री ही पारती व्यवस्थापिकार सभ्य हो पारती से क्षमतार व्यवहार करेणु निर्वाचन क्या कह जाए निर्वाचन एक माध्यम
जहाद्वारा कि जनसाधारण भोट प्रदान कर निजर प्रतिनिधि मान चयन कर स्कूम पेटर मत में निर्वाचन एक पद्धति जहाद्वारा कि सार्वजनीन पदवी गुड़िक पूरण कराए जो मैंने सार्वजनीन पदर रही था से मैंने व्यवस्थापिकार सभ्य पारती कि कार्यपालिकार सभ्य होता तेणु निर्वाचन एक मध्यम जहाद्वारा कि जनसाधारण निजर भोट प्रदान द्वारा निजर प्रतिनिधि मान चयन कर तेनाली बुझे निर्वाचन क्या कह जाए बर्तमान देखा निर्वाचन अनेक उपादान वैशिष्ट रही अच्छे निर्वाचन प्रथम वैशिष्ट है इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू पीपल टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स हु आर टू रिप्रेजेंट देम इन गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट निर्वाचन एक निर्वाचन प्रथम वैशिष्ट है निर्वाचन द्वारा जनसाधारण निजर प्रतिनिधि मान चयन कर जो मैंने कि जनसाधारण सरकार रे प्रतिनिधित्व अर्थात निर्वाचन प्रथम वैशिष्ट है निर्वाचन द्वारा जनसाधारण निज प्रतिनिधि मान चयन कर जो मैंने कि जनसाधारण को शासन रे प्रतिनिधित्व जो मैंने कि जनसाधारण स्वार्थपाई शासन रे कार्य कर नंबर टू इलेक्शन गिव्स लेजिटिमेट राइट टू गवर्नमेंट टू रूल पीपल इलेक्शन सरकार को एक न्यायिक अधिकार प्रदान करिथाय जहाद्वारा कि सरकार लोक मान शासन निर्वाचन एक मध्यम जहाँ कि सरकार को न्यायिक क्षमता प्रदान करिथाय लोक मान शासन करने यदि निर्वाचन हेब ना सरकार न्यायिक क्षमता प्राप्ति करें ना लोक मान शासन करने तो निर्वाचन सरकार को एक न्यायिक क्षमता न्यायिक अधिकार प्रदान करें लोक मान शासन करने लोक मान सेवा करने तृतीय बाय इलेक्शन पीपल रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑल्टर द गवर्नमेंट इलेक्शन मध्यम जनसाधारण शासक दल कार्य को विश्लेषण कर निर्वाचन मध्यम जनसाधारण शासक दल कार्य को विश्लेषण करी से शासक दल शासन खुशी से पुनर्बार तक भोट दे था शासक दल कार्य संतोष नुहंती से शासक दल को शासन रु गादीच्युत नंबर फोर इलेक्शन मेक्स रिप्रेजेंटेटिव्स आइदर इन द रूलिंग पार्टी रूलिंग ग्रुप और इन द अपोजिशन ग्रुप निर्वाचन में जनसाधारण जो प्रतिनिधि मान प्रेरण कर प्रतिनिधि मान जदि संख्यागरिष्ठ आसन हासिल करते शासक दल रही था जदि संख्यागरिष्ठ आसन हासिल करोधी दल रही था तेणु जनसाधारण प्रतिनिधि निर्वाचन में निर्वाचित होता जनसाधारण प्रतिनिधि शासक दल रही था कि विरोधी गोष्ठी रही था पांच नंबर इलेक्शन इज द मेजर सोर्स ऑफ क्रिएटिंग पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ फ्यूचर निर्वाचन मध्यम स्पष्ट होता है क्यों भविष्य देशर नेता हे कारण निर्वाचन रे जन विभिन्न व्यक्ति निर्वाचन अंशग्रहण करतीद्वंदा करवाचन अभियान अंशग्रहण कर भूमिकार स्पष्ट होता है ये भविष्य रे देश को क्यों माने परिचालना करेंगे देशर राजनैतिक नेतृत्वृंद निर्वाचन ही से परिचय मिलता है छ नंबर इलेक्शन गिव्स पॉलिटिकल एजुकेशन पीपल बाय पार्टिसिपेटिंग पॉलिटिक्स निर्वाचन मध्यम जनसाधारण राजनैतिक ज्ञान वृद्धि पाई था कारण जनसाधारण निर्वाचन में भोट दे था प्रतिद्वंदा करवाचन सभा यहाद्वारा से राजनैतिक ज्ञान विकास होता है सात नंबर इलेक्शन इनवल्व पीपल डायरेक्टली इन गवर्नमेंट गवर्निंग प्रोसेस निर्वाचन मध्यम जनसाधारण प्रत्यक्ष भाव शासन अंशग्रहण कर आठ नंबर इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अबाउट हु विल रूल एंड अप टू व्हाट टाइम निर्वाचन मध्यम निर्वाचन ही निर्धारित करिथाय किए शासन करिवो एवं केउ समय पर्यंत नौ नंबर
It is an universally recognized process of people's representation in governance of country. प्रत्येक सभ्य समाज निर्वाचन को समर्थन करिथान्ते प्रत्येक सभ्य समाज निर्वाचन को स्वीकृति देथान्ते तेणु निर्वाचन एक न्यायिक माध्यम प्रत्येक सभ्य समाज निर्वाचन को स्वीकृति देथान्ते कोनोसी सभ्य समाज निर्वाचन को विरुद्धाचरण करिथान्ते परिशेषरे इट रिवील्स पीपल्स रिएक्शन टुवर्ड्स रूलिंग पार्टीज परफॉर्मेंस निर्वाचन रु ही स्पष्ट होता है जे शासक दलर कार्य संपर्क लोक मानकर प्रतिक्रिया निर्वाचन रु ही स्पष्ट होता है शासक दलर भूमिका विषय लोक मानकर प्रतिक्रिया यदि लोक माने शासक दलर कार्य को समर्थन करथांती त पुनर्बार वोट देथांती यदि से माने शासक दलर कार्य को समर्थन करनथांती वा पसंद करनथांती शासक दल को निर्वाचन में गादीच्युत करथांती तेनो शासक दल रो कार्य संपर्क रे लोक मानकर प्रतिक्रिया निर्वाचन रु स्पष्ट होइदा त आमे देखिले निर्वाचन काहा कहा जाय निर्वाचन संबंधी संज्ञा एवं निर्वाचन संबंधी दसटी वैशिष्ट्य बर्तमान देखा निर्वाचन पद्धति पृथ्वीर प्रत्येक देश में निर्वाचन होता है प्रत्येक देश में निर्वाचन करने एक संगठन रही है भारत निर्वाचन प्रक्रिया को नियंत्रण करने भारत में निर्वाचन आयोग रही अच्छे जहाँकि 1950 मसीहा जनवरी 26 जनवरी 25 तारीख दिन प्रतिष्ठा होता एवं वर्तमान पर्यंत ये निर्वाचन आयोग 17 साधारण निर्वाचन संगठित कर सारी तेणु प्रत्येक देश में एक निर्वाचन संगठन अच्छी जी निर्वाचन को नियंत्रण करे भारत में एक निर्वाचन संगठन अच्छी जहाँ को निर्वाचन आयोग कह जाए एवं भारत में जो निर्वाचन हुए क्यों प्रकार पद्धति हुए भारत निर्वाचन पद्धति भारत निर्वाचन अनेक पद्धति रही आम ये आरंभ देखा 10 पद्धति प्रथम पद्धति है डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज बाय डिलिमिटेशन कमिशन निर्वाचन प्रथम पद्धति है निर्वाचन मंडल गुड़िकर निर्धारण कमिटी अर्थात भारत में जो समय जनगणना हुए से समय राष्ट्रपति एक निर्धारण निर्वाचन मंडली निर्धारण कमिशन प्रतिष्ठा करथामे ए निर्वाचन मंडली सीमा निर्धारण ए निर्वाचन मंडली निर्धारण कमिशन राष्ट्रपति द्वारा निजित होता है प्रत्येक जनगणना पर यार काम है प्रत्येक निर्वाचन मंडली को पुनर्गठन करवा यह निर्वाचन मंडल गुड़ी एपरी भाव पुनर्गठन करें प्रत्येक समस्त निर्वाचन मंडल जनसंख्या हाराहारी सामान होता है एवं निर्वाचन मंडल निर्धारण कमिशन निष्पत्ति शेष निष्पत्ति अटे यही कमिशन ही निर्वाचन मंडल गुड़ी जनसंख्या अनुसार निर्धारण करता है यार निष्पत्ति शेष निष्पत्ति यार बर्तमान भारत निर्वाचन द्वितीय पद्धति है प्रिपेरेशन ऑफ इलेक्ट्रल रोल्स भारत निर्वाचन द्वितीय पद्धति है भारत में भोटदाता मानकर तालिका प्रस्तुत निर्वाचन भारत निर्वाचन प्रक्रिया द्वितीय पद्धति है भोटर तालिका प्रस्तुत भारत में समस्त निर्वाचन मंडल स्वतंत्र भोटर तालिका प्रस्तुत करा जाए ए भोटर तालिका गुड़िक समयानुक्रमे संशोधन करा जाए था से निर्वाचन मंडल जो भोटदातार मृत्यु है तार नाम भोटर तालिकार बाद दि जाए था कि से निर्वाचन मंडल जो व्यक्ति अन्य निर्वाचन मंडल को जाए तार नाम को मध्य भोटर तालिकार बाद दि जाए था एवं जो मैंने नूतन भाव निर्वाचन मंडल आस बसवास करेंगे से नाम भोटर तालिकार अंतर्भुक्त कर एवं जहाँ बयस 18 वर्ष रु अधिक होला से नाम भोटर तालिकार अंतर्भुक्त करा जाए तेणु निर्वाचन भोट तालिका भोटर तालिका संशोधन एक गुरुत्वपूर्ण पद्धति द्वितीय पद्धति तृतीय पद्धति है नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन ए
एंड अपॉइंटमेंट ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर इन अगस्ता या तृतीय पद्धति है जो समय निर्वाचन समय आसीबो राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को संकेत देवे जे निर्वाचन कार्य आरंभ करने पर निर्वाचन आयोग केंद्र सरकार राज्य सरकार सहित परामर्श करी निर्वाचन तारीख एवं निर्वाचन समय सारणी प्रस्तुत करें जो समय सारणी रही था निर्वाचन नामांकन पत्र केबे दाखल हे प्रार्थीपत्र केबे प्रत्याहार हे एवं प्रार्थीपत्र तदारख केबे हे प्रभृति तापरे जो मैंने कि निर्वाचन आयोजन करेंगे से मानले रिटर्निंग ऑफिसर से मानक निजुक्त दिजाव प्लस रिटर्निंग ऑफिसर को सहायता करने अन्य अधिकारी मानक निजुक्त दिजाव तेणु यह आम तृतीय पर्याय तृतीय पर्याय चतुर्थ है फिलिंग ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स यापर एक निर्दिष्ट दिन धार्य हे प्रार्थी मान निजर नामांकन पत्र दाखल करेंगे एवं जो समय से नामांकन पत्र दाखल करेंगे गोटे भोटर से नाम को मान से नाम को गोटे भोटर से नाम को प्रस्ताव देवे अनेक भोटर ताको समर्थन करेंगे यह सहित जो प्रार्थी मैंने नामांकन पत्र दाखल करेंगे से किसी टंका दाखल करा पड़ो लोकसभा 25,000 राज्य व्यवस्थापिका पाई 10,000 किंतु तफसिलभुक्त जाति उपजाति प्रार्थी मैंने जो मैंने लोकसभा अनुसरण करेंगे 12,500 जो मैंने राज्य व्यवस्थापिका अंशग्रहण करेंगे निर्वाचन में 5,000 दाखल करा पड़ो यहाँ नामांकन पत्र दाखल प्रथम देखा पंचम स्क्रूटिनी ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स यापर नामांकन पत्र दाखल से नामांकन पत्र गुड़ी को रिटर्निंग ऑफिसर जांच करेंगे से मानकर जन्म तारीख से मानकर विरुद्ध किसी फौजदारी मुकदमा अच्छी ना नहीं योग्यता सब जांच कराव एवं प्रत्येक प्रतिद्वंदिता करुवा प्रार्थी विपक्ष प्रार्थी ये परिप्रेक्षी में अभियोग आनीपर यापर प्रार्थीपदर जांच है एक तालिका प्रस्तुत हो छ नंबर उज्जवल नॉमिनेशन यापर एक तालिका दिजाव प्रतिद्वंदिता कर प्रार्थी मैंने निजर नामांकन पत्र को प्रत्याहर करें जो मैंने ठीक समय निजर नामांकन पत्र को प्रत्याहर करेंगे से मानक से दाखल कर पैसा फेरे दिज बर्तमान देखा इलेक्शन कैंपेन निर्वाचन अभियान यापर समस्त राजनैतिक दल गुड़ी को संकेत दिजाव से निर्वाचन मंडल में निर्वाचन प्रचार करेंगे भारत संविधान उल्लेख कर लोकसभा बड़ राज्य गुड़िक गोटे प्रार्थी 70,00,000 खर्च करें लोकसभा छोट राज्य गोटे प्रार्थी 54,00,000 खर्च करें राज्य गुड़िक राज्य व्यवस्थापिका बड़ राज्य 40,00,000 गोटे प्रार्थी खर्च कर छोट राज्य 28,00,000 गोटे प्रार्थी खर्च कर राजनैतिक दल मैंने जनसाधारण को सेमानंकर नीति प्रतिश्रुति निर्वाचन इस्ताहार संपर्क जनसाधारण को अवगत करेंगे जनसाधारण को भोट देवाई अनुरोध करेंगे यार निर्वाचन अभियान यापर आम देखा पोलिंग ऑफ वोट्स 8 नंबर पोलिंग ऑफ वोट्स यापर एक निर्दिष्ट दिन जनसाधारण भोट देवाई जनसाधारण को एक निर्दिष्ट पुल बुथ को जवाब पड़ो जो समय से पुलिंग बुथ को जी जड़े प्रिजाइडिंग ऑफिसर थी अन्य किसी ऑफिसर थे जनसाधारण भोट देवे से भोट कागज प्रतिद्वंदिता कर प्रार्थी मान नाम थी तार विपरीत जगार थी चिन्ह जनसाधारण से चिन्ह में भोट देवे भोट को भोट बाक्स पकईदे काउंटिंग ऑफ वोट्स एंड डिक्लेरेशन रिजल्ट्स नवम पद्धति है जनसाधारण भोट देला से भोट बॉक्स को
रिटर्निंग ऑफिसर को निकट बनाजिबो एवं रिटर्निंग ऑफिसर एवं तांकर सहकारी माने वोट गणती आरंभ करिवे एवं वोट गणती आरंभ कला परे से माने नाम जयजुक्त होइतिबा नाम जयजुक्त जयजुक्त होइता प्रार्थी को नाम घोषणा करिवे एवं से माने इलेक्शन कमिशन को जनेबे के रिटर्निंग ऑफिसर यहाँ पर शेष पद्धति प्रक्रिया है इलेक्शन पिटिशन फॉर सेटलमेंट ऑफ इलेक्शन डिस्प्यूट्स बाय हाई कोर्ट और फाइनल बाय सुप्रीम कोर्ट यहाँ निर्वाचन सरला निर्वाचन फलाफल घोषणा होगा जदि कौनसी भोटर वेतेक भोटर वराज हो प्रार्थी निर्वाचन में सतोष नुंति से हाइकोर्टे उच्च न्यायालय अभियोग करें उच्च न्यायालय से अभियोग को शुणी कर उच्च न्यायालय अभियोग को रद्द कर दी पारे किंबा उच्च आयोग निर्वाचन को असिद्ध कर दी पारे किंबा कौनसी प्रतिनिधि को छह वर्ष पर निर्वाचन रु बासंद कर दी पारे एवं जदि कौनसी भोटर बा केतेक भोटर बा पराजय होइते प्रार्थी उच्च न्यायालय हाइकोर्ट निष्पत्ति रे खुशी नियंती खुशी नुहंती उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जाई पारे एवं यही परिप्रेक्षी में उच्चतम न्यायालय निष्पत्ति शेष निष्पत्ति तेणु आम वीडियो देखिले निर्वाचन का कहा जाए निर्वाचन सम्बन्धीय संज्ञा स्कूमपेटन निर्वाचन विभिन्न उपादान एवं भारत में जो निर्वाचन होवाचन आयोग करुच्ची जहाँकि 1950 मसीहा जनवरी 25 तारीख प्रतिष्ठा होता है यह आयोग बर्तमान सुधा 17 साधारण निर्वाचन संगठित कर सारी यापर आम देखिले भारत में जो निर्वाचन होार विभिन्न पर्याय व पद्धति तेना मोर 100% विश्वास जे मोर छात्र छात्री मैंने वीडियो को निरीक्षण करेंगे एवं निरीक्षण करने समय नोट्स गुड़िक करदे जहाद्वारा कि से नोट समस्या रही मतामत से देवे एवं सब्सक्राइब करेंगे एवं अन्य मानक सब्सक्राइब करने अनुरोध करेंगे जहाद्वारा कि समस्त छात्र छात्री उपकृत हे थैंक यू आम पुनर्व अगर वीडियो में मिलित होगा शेष समय पर्यंत गुड बाय टू ऑल।